क्या ये सुरक्षा का माहौल इस रूप में था? संभावना नहीं। मुझे याद है जब पूज्य संत शांतिकारी महाराज ने आश्रम की श्रृंखला को खड़ा करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था 1994 में, उनका कार्य अद्भुत था, सराहनीय था, हम सबके लिए एक नई प्रेरणा है, अभिनंदनीय है। और शांतिकारी महाराज ने उस समय जो संकल्प लिए थे, आज चितरंजन महाराज उस कार्यक्रम को मजबूती के साथ बिना रुके, बिना टिके, बिना थके कार्य कर रहे हैं, और इसीलिए तो भारत सरकार भी आज आपका अभिनंदन कर रही है। पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, नागरिक सम्मानों में से एक है, उस पुरस्कार से आपको सम्मानित कर रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में जिस ऊर्जा के साथ आपने काम किया है, अपने गुरु के संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, वे अभिनंदनीय है। लेकिन यहां पे हमारे त्रिपुरा के महाराज भी यहां पर उपस्थित हुए हैं, हम दोनों एक ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। उनके मातृपक्ष भी उत्तराखंड से जुड़ी हुई है और मैं भी उत्तराखंड में, मेरा भी जन्म हुआ है, और इसीलिए एक आत्मीयता हम लोगों में है। उनका बचपन उत्तर प्रदेश में व्यतीत हुआ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जनपद है, न कि पुरखीरी, उनका स्टेट में, उनका स्टेट का भी वहां पे कुछ हिस्सा है। और मैं उनको एक बात उनके संज्ञान में जरूर लाना चाहूंगा कि महाराज इस जरूर ध्यान में रखना कि त्रिपुरा स्वतंत्र इसलिए था क्योंकि त्रिपुरा के राजा के पास सामर्थ्य थी, शक्ति थी, उन्होंने यहां की जनता को एकजुट करके विधर्मियों के लिए भी और उन आक्रांताओं की ताकत को भी समझा था और उनको अपनी ताकत का एहसास कराया था, इसलिए त्रिपुरा सुरक्षित रहा, स्वतंत्र भी रहा। जो भी सामर्थ्य आरंभ होगा अपनी ताकत का एहसास अपने दुश्मनों को कराएगा, वह हमेशा सुरक्षित रहेगा और सामर्थ्यवान बना रहेगा। लेकिन जो भी अपनी ताकत को खो करके अपने दुश्मन और मित्र को समझने में भूल करेगा, वह हमेशा उसी प्रकार का खामियाजा भुगतेगा जैसे आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। बहनों और भाइयों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस खतरे को भांपा था 1925 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात को जानता था कि अगर हम इसी प्रकार से कांग्रेस के द्वारा चलाई गई दुर्व्यसंधि का शिकार होते रहेंगे तो वे इस देश का विभाजन कराएंगे, हिंदुओं को कत्लेआम कराएंगे और फिर इस देश की परंपरा को, इस देश की संस्कृति को, इस देश की जातीय परंपरा को पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। और वह जो दुस्वप्न था वह सच साबित हुआ, कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए देश का विभाजन स्वीकार किया। और यही नहीं है तो 1905 में बंग भंग के समय आपने देखा होगा, अगर उस समय बंगाल विरोध नहीं करता क्या स्थिति पैदा हुई थी, क्या करने की साजिश हुई थी, और उस समय भी लोग यही कार्य कर रहे थे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती के नाम पर हजारों शिक्षण संस्थानों का संचालन कर रही है। उसकी पहली विद्यालय की शुरुआत 1950 में गोरखपुर से होती है, इसलिए मुझे याद है गोरखपुर से इसकी शुरुआत होती है, गोरखपुर में इसका शुभारंभ होता है। आज हजारों स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्या भारती और सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से
भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के धर्म और संस्कृति का पालन करते हुए हजारों शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन कर रही है, सेवा के प्रकल्पों का संचालन कर रही है, 1,00,000 से अधिक गांवों में एकल विद्यालय संचालन का काम अकेले विश्व हिंदू परिषद पूरे देश के अंदर जनजातीय क्षेत्रों में कर रहा है, और श्री राम वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से भी। मुझे याद है मेरे स्वयं के आश्रम गोरखपुर में 1984 में जनजातीय छात्रावास प्रारंभ हुआ, और उसमें नॉर्थ ईस्ट से, त्रिपुरा से, मेघालय से, नागालैंड से, यहां से सैकड़ों बच्चे जाकर के उसी आश्रम में अध्ययन करते थे, और जब उनकी शिक्षा पूरी होती थी वे वापस इस क्षेत्र में आकर के अपनी आजीविका के साथ जुड़ते थे। आज भी वहां पे श्री राम वनवासी कल्याण आश्रम संचालित है। हमारा दूसरा आश्रम एक और जनपद बलरामपुर में है, वहां पर भी ट्राइबल बच्चों के लिए स्कूल भी बना है और छात्रावास का संचालन उस आश्रम के माध्यम से होता है, और विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हजारों ऐसे स्थानों पर ट्राइबल बच्चों के लिए इस प्रकार के शिक्षण और प्रशिक्षण केंद्र संचालित करके उनके उज्जवल भविष्य के साथ अपने आप को जोड़ने का काम करता है। हाँ, यह सच है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद अपने कार्य का प्रोपोगंडा नहीं करता है, अपनी सेवा की सौदेबाजी नहीं करता है। हम सेवा करते इसलिए क्योंकि सेवा हमारे लिए ईश्वरीय सेवा है, ईश्वरीय सेवा मान करके हमारा एक एक प्रचारक, एक एक कार्यकर्ता, एक एक स्वयं सेवक, एक एक नागरिक इस अभियान के साथ जुड़ करके सेवा के इस प्रकल्प के साथ जुड़ता है, और यही कारण है कि विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में पूज्य संतों के मार्गदर्शन में चलाया आंदोलन इस सदी की सबसे बड़े आंदोलन के रूप में अयोध्या में जो लोग कहते थे कभी संकल्प पूरा नहीं होगा, 5 सदी का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में भगवान राम का भी भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो गया। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अब लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को बुरा लगेगा राम मंदिर बनने में, तो उसमें हमारी गलती क्या है? वे हमारी आस्था है राम से, हमें भारत की बहुसंख्यक जनता की आस्था को देखना है। अगर ये जनता संतुष्ट है उस आस्था का सम्मान देने का काम करना है, और वही कार्य हम कर रहे हैं। काशी के बारे में भी हमने यही कहा भाई, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, ये 3 सनातन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ है, महत्वपूर्ण स्थल है, मान बिंदु है, और आज नहीं तो कल तीनों स्थान फिर से हिंदू धर्म और आस्था के प्रतीक के रूप में जैसे आज पूज्य है उसी भव्य रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कोई संदेह नहीं होना चाहिए, हमें एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए। सनातन धर्म तो सर्वे भवतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया की बात करता है, लेकिन ये तभी जब हम स्वयं सुरक्षित हो। हम ही सुरक्षित नहीं है तो हम दूसरों की सुरक्षा की बात कैसे करेंगे? पहले सुरक्षित होना, पहले अपने लोगों को सुरक्षित करना, फिर सबकी सुरक्षा और सबके सम्मान की बात करना, और यह आज की आवश्यकता है। आज देश के अंदर जब हम मजबूती के साथ भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निकले हैं, हम सबको इस बारे में मानना पड़ेगा कि अब भारत का समय है, भारत का समय है। बहनों और भाइयों, मैं अभिनंदन करूंगा, आपने त्रिपुरा को पिछले 7-8 वर्षों में यहां पर डबल इंजन की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से विकास का डबल स्पीड के साथ विकास यहां की आगे बढ़ी है,
एक अंधेरे से प्रकाश की ओर आप पुनः बढ़े हैं और आज त्रिपुरा तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ राज्य के रूप में न केवल बड़े बड़े हाईवे बना रहा है, एयर कनेक्टिविटी की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, बल्कि लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से लाखों गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा हो या इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान एक एक नागरिक के घर में राशन की सुविधा फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य, वैक्सीन उपलब्ध करवाने का कार्य, यह कार्य पहले क्यों नहीं हो पा रहा, पहले होने में क्या समस्या हो पा रही है? लेकिन जब अच्छी सरकार आती तो ऐसे कार्य होते हैं, विकास के कार्य, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कार्य, जगह जगह कनेक्टिविटी के कार्य, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का कार्य, हर घर नल के माध्यम से लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य, हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम एक डबल इंजन की सरकार ने तो भेदभाव नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने तो भेदभाव नहीं किया किसी के साथ, सबका साथ सबका विकास हमारा संकल्प है, मोदी जी का मंत्र है, हमने उसे अंगीकार किया है, बिना भेदभाव के सबको पहुंचाएंगे। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो सुरक्षा में सेंध लगाने का जवाब भी देने के लिए तत्पर होना ही पड़ेगा, और उसी दिशा में आज यहाँ पर हम चितरंजन महाराज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े गए हैं। याद रखना, ईश्वरीय ताकत तभी आपके साथ फलीभूत होती है जब आप भी कार्य करेंगे, आप भी बढ़ेंगे। और मैं अभिनंदन करूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में संतों की उपस्थिति यहां पर इतनी बड़ी संख्या में संतगण अगर जुड़ जाएंगे किसी कार्य में तो उसको तो सुरक्षित होना ही होना है, क्योंकि संत प्रतिनिधि हैं, ईश्वरीय सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में इस धराधाम पर आकर के लोग कार्य कर रहे हैं। और जैसे चित्त महाराज ने कार्य किया, हमारे यहां बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन शक्ति के प्रतीक हैं, सत चित्त और आनंद। तो सत के प्रतीक तो शांति महाराज हो ही गए, चित्त के प्रतीक चितरंजन महाराज हो गए, और अब त्रिपुरा में आनंद की उपस्थिति के लिए हम सबको मिलकर के काम करना है, यह अभियान निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। आज अनुकूल सरकार है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, इन अनुकूल परिस्थितियों में कार्य करना है, और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने देनी है जो बांग्लादेश की पुनरावृत्ति करने का दुस्साहस यहां पर कर सके। बहनों और भाइयों, आज आप शांतिपूर्ण माहौल में अपने पर्व और त्योहार मना पा रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं, दुर्गा पूजा का आयोजन भव्यता के साथ होता है। क्या आज से 10 वर्ष पहले संभव था? कठिन था, बहुत कठिन था, विघ्न बाधाएं आती थी, केवल यहीं पर नहीं था, उत्तर प्रदेश में भी था, नहीं होते थे पर्व और त्योहार, आते थे दंगे शुरू हो जाते थे, पर्व और त्योहार आते थे दंगे शुरू होते थे, गुंडागर्दी होती थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं था, कहीं कोई सुविधा नहीं थी। और आज यूपी में भी डबल इंजन की सरकार आई, सुरक्षा का माहौल मिला, दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया, और साथ साथ भक्तों के लिए राम मंदिर का निर्माण भी कराया गया। और जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा था, जब चित महाराज वहां पर थे की आंखों में आंसू थे, मैं देख रहा था, मैंने वह दिन भी देखा है जब चित महाराज अपने पूज्य गुरुदेव की हत्या के बाद विश्व हिंदू परिषद के उस समय के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सदैव अशोक सिंघल जी के पास आए थे कि मेरी सुरक्षा क्या करूं मैं, और उस समय अडवाणी जी ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी और फिर उन्हें कहा था कि आप त्रिपुरा में जाइए, आपको सुरक्षा मिलेगी। और वहां जब अयोध्या में राम मंदिर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम समारोह में दिन के रूप में आए थे, उनके आंखों में आंसू इस बात को लेकर के थे, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो यह संकल्प शांति काली
शांति काली महाराज का भी संकल्प था, अपने गुरु के संकल्प को पूरा होते हुए देख करके उनके आंखों में आंसू थे कि मेरे गुरु की आत्मा को शांति मिल रही होगी कि हमारा एक संकल्प पूरा हो रहा है, और इसीलिए वह वहां पर उस कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। मैं अभिनंदन करूंगा इस संत को, और मैं आप सभी का आह्वान करूंगा, जितने संत हैं, जितने आप इस श्रद्धालु बैठे हैं, जितने भक्तगण बैठे हैं, ये संत उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। याद रखना, विधर्मी को जब भी अवसर मिलेगा और जब भी वो ताकतवर होगा, वह अपनी उस मनसा के अनुरूप कार्य करेगा। कहीं पे शांति काली महाराज की हत्या करेगा, कहीं स्वामी लक्ष्मणानंद जैसे संतों की हत्या करेगा, लेकिन हमें इन लोगों को फिर से अवसर नहीं देना है। इसके लिए अनुकूल सरकार, अनुकूल परिस्थितियां, इन संतों के साथ खड़े होकर के धर्म के प्रचार के लिए अपना कार्य करिए, लगिए। सनातन धर्म हर पंथ और उपासना विधि का सम्मान करता है, हर एक का सम्मान करता है। हमारे यहां बौद्ध हो, जैनी हो, सिख हो, उपासना विधि में आप किसी भी परंपरा को मानने वाले हो, आप देवी को माने, आप कृष्ण को माने, आप तंत्र की परंपरा को माने, आपके लिए इसमें भेद नहीं, लेकिन हमें इस बात को मान के चलना चाहिए कि हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए, हमारा धर्म सुरक्षित रहना चाहिए। और इसके लिए हमें आह्वान करना होगा कि फिर से किसी शांति काली महाराज को, किसी स्वामी लक्ष्मणानंद जी को अपना बलिदान देने की नौबत ना आने पाए। इसके लिए संतों का सानिध्य लेकर के धर्म जागरण के इस पवित्र अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप सभी लोग आगे बढ़ेंगे तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे, आपके साथ मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाने में थोड़ा सहयोग करेंगे। मैं भी आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, हर प्रकार का सहयोग हम लोग करेंगे। एडवान इंजन सरकार के मुखिया स्वयं त्रिपुरा के अंदर डॉक्टर मानिक सरकार जी यहां बैठे, शाह जी यहां बैठे हैं, श्री विप्लव देव जी यहां बैठे हैं, श्री राजीव भट्टाचार्य जी यहां बैठे हैं, हमारे तमाम यहां त्रिपुरा के महाराज यहां बैठे हैं, हमारे पूज्य संत जन यहां बैठे हैं, इन सबका सानिध्य एक साथ मिलकर के बनेगा तो त्रिपुरा को फिर से माता त्रिपुर सुंदरी के पवित्र धाम के रूप में विकसित होने में, एक विकसित राज्य के रूप में, आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित होने में बहुत देर नहीं लगने वाली है। अब अच्छी दिशा में कार्य आगे बढ़ चुका है और हमें उस दिशा में मिलकर के फिर कार्य करना है, लेकिन अपने मित्र और शत्रु को पहचानने की ताकत को भी पालना होगा। अगर हम पालेंगे, अगर हम सही तरीके से ही दिशा में आगे बढ़े तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, कोई हमारा बाल मांगल नहीं कर पाएगा, और हमें इस दिशा में पूरी पवित्र हृदय के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं यहां पर से चित्त महाराज को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा, उन्होंने बहुत को किया, यद्यपि यहां पर जो कार्यक्रम था शांति काली महाराज का, उनका बलिदान दिवस 27 अगस्त को पड़ता है, और उस दिन हमारा कार्यक्रम यहां पर था। यहां पर उस समय एक आपदा आ गई थी, कार्यक्रम स्थगित हुआ, और मैं भी इस बात को मानता था कि हो सकता है कार्यक्रम हो गया हो, लेकिन डॉक्टर मानिक शाह जी का फोन और वो जैसा चित्रंजन महाराज स्वयं लखनऊ पधारे, उन्होंने कहा कि मैं तो कार्यक्रम हम लोगों का वहां पर तभी होगा जब पूज्य संतों का सानिध्य मिलेगा, और आप भी उस कार्यक्रम में अगर भागीदार बनेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैंने कहा भी आपके पूज्य गुरुदेव ने धर्म के लिए, देश के लिए अपने आप को बलिदान किया, हमारा दायित्व तो बनता है कि उनकी स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी योगदान कर सके, जब आप कहेंगे हम आपके बीच उपस्थित होंगे। और आज बहनों भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी श्रद्धा देख करके, आपका समर्पण देख करके, धर्म के प्रति आपकी निष्ठा देख करके, अपने जनजातीय बंधुओं के बीच में रह करके
125 आश्रम में रह करके शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। एक आश्रम में 350 बच्चे हैं, एक में 250 बच्चे हैं। ये सभी बच्चे भारत के कर्णधार बनेंगे, भारत को एक नए भारत के रूप में, विकसित भारत के रूप में स्थापित करने की नींव चितरंजन महाराज के द्वारा रखी जा रही है और इसमें हम सबका सहयोग मिलना चाहिए, पूरा सहयोग मिलना चाहिए। और याद रखना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो या फिर त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी मां त्रिपुर सुंदरी के मंदिर के सुंदरीकरण और पुनरुद्धार कार्य का जो कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ किया है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, ये दोनों विकास और विरासत की कड़ी को आगे बढ़ाने का ही अभियान है। याद रखना, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। घर में भी साथ चलेगा तो साथ साथ हमें अपने सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी उसी सतर्कता के साथ कार्य करना है। आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर के इन अभियानों को आगे बढ़ाएंगे, एक पक्ष यह, दूसरा बांग्लादेश के हालात क्यों हो रहे हैं इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। कौन लोग इस हालात के लिए जिम्मेदार है? 1947 के पहले कौन लोग थे? जो लोग भारत के विभाजन का पक्षधर बनकर के मुस्लिम लीग की मंशा को और कांग्रेस की सत्ता लोलुपता के चक्कर में पड़ करके भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के लिए जिम्मेदार है, उन लोगों के बारे में सही जानकारी देने की आवश्यकता है। याद रखना, अगर उस समय के समाज ने, बहनों और भाइयों, उस समय के समाज ने पहले जो आंदोलन किया था 1905 में बंग भंग का जो अंग्रेजों की साजिश थी, जैसे उसे विफल किया था, ऐसे ही मुस्लिम लीग की साजिश को विफल करने के लिए उस समय का कांग्रेस नेतृत्व और जोगेंद्रनाथ मंडल ये मिलकर के अगर मुस्लिम लीग की मंशा पर पानी फेरने का काम करते तो कभी भी ये पाकिस्तान जैसा नासूर नहीं बनता। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है और आज इसकी शुरुआत हो रही है। आज आप देख रहे होंगे पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान से अलग होकर के भारत में शामिल होने की मांग शुरू हो गई है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठ खड़ी हो गई है और एक पाकिस्तान जब तक इस धरती पर है, याद रखना ये मानवता का कैंसर है, इस कैंसर का समाधान ये मानवता का भी कैंसर होगा।